दोस्तों, अगर आपने क्रिसमस हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके उन्हें देख लें, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बोलता है कि चुप करो तुम दोनों, यही सही मौका है, वो आदमी स्नोमैन को भड़काए हुए है, तब तक मैं घर के अंदर जाकर चाबी ले आता हूँ और बाबा को भी मैं अंदर जाकर फ़ोन कर दूंगा। ये काफ़ी अच्छा मौका है, अब मैं जा रहा हूँ और तुम लोग पीछे मेरा ध्यान रखना, अगर वो स्नोमैन घर के अंदर आने लगे तो मुझे इशारे से बता देना। इसके बाद गुल्ली दबे पाँव घर के अंदर जाने लगता है। गुल्ली ज़रा भी लापरवाही नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़रा भी लापरवाही होगी तो इसके साथ साथ बुल्ली और शॉन की भी जान चली जाएगी। गुल्ली बिना लापरवाही किए हुए दरवाजे के पास जाता है और धीरे से दरवाज़ा खोल के घर के अंदर चला जाता है। और इधर वो चोर स्नोमैन को धमकी देने के बाद स्नोमैन को मारने लग जाता है। वो आदमी स्नोमैन को एक लगातार 3-4 लात घूसे की बरसात कर रहा होता है, लेकिन स्नोमैन को तो इससे कुछ भी नहीं होता और ये देखकर वो आदमी थोड़ा डर जाता है। और तभी स्नोमैन अपना लकड़ी का हाथ उस चोर के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे उस चोर की वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी रॉड को भी होश आने लगता है और वो उठकर बैठ जाता है। इसके बाद रॉड पीछे देखता है तो उसे स्नोमैन दिखाई देता है और ये देखते ही रॉड खड़ा हो जाता है और स्नोमैन के पास जाता है और वो अपनी जादू शक्ति से स्नोमैन के शरीर के अंदर अपना हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से शायद स्नोमैन भी मरने लग जाता है। स्नोमैन का शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है, उसकी सिर्फ मुंडी ही घूम रही होती है और फिर वो रॉड को देखता है और रॉड भी उसे देखने लगता है। और तभी देखते ही देखते स्नोमैन को बहुत ही तेजी से चोट लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। वो सीधे उस चोर के ऊपर जाकर गिरता है और वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। और ये देखकर रॉड भी किसी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और इसके बाद रॉड बुल्ली और शॉन की तरफ देखता है और अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। और ये देखकर बुल्ली और शॉन भी अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं और शॉन तो नाचने ही लग जाता है। और तभी रॉड बोलता है, देखा बुल्ली और शॉन, मैंने इसे एक ही बार में ढेर कर दिया, ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, अब इसका खेल ख़त्म हो चुका है, अब तुम लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यह दोबारा ज़िंदा नहीं हो पाएगा, तो अब चलो पार्टी करते हैं और तुम लोग गुल्ली को भी घर के अंदर से बुला लो, जिससे हम लोग साथ में मिलकर पार्टी कर सकें। गुल्ली बोला, हाँ ज़रूर रॉड, जाओ तुम ही घर के अंदर जाकर गुल्ली को बुला लाओ, तब तक मैं और शॉन पार्टी की तैयारी करते हैं और बाबा भी अभी आ ही जाएंगे। और ये सुनकर रॉड तुरंत ही घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी रॉड घर के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी स्नोमैन का शरीर में कुछ हलचल होने लगती है और उसका शरीर एकदम से बदल जाता है और उस चोर का भी शरीर गायब हो जाता है। अरे ये क्या, कहीं ये दोबारा ज़िंदा तो नहीं हो गया, अरे ये क्या, ये तो सच में ज़िंदा हो गया। और रॉड ये देखकर हैरान हो चुका है। इसके बाद स्नोमैन पीछे देखता है और उसे रॉड दिखाई देता है और फिर वो बिना वक्त गवाए रॉड के पास जाता है और रॉड को घूने लगता है। और तभी देखते ही देखते वो रॉड को एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से रॉड दूर जाकर फेंका जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगर इसका इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो ये मर भी सकता है। और ये देखकर स्नोमैन भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और ये काफ़ी ज़रा खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि जिसे उसे मारने की कोशिश की थी उसे उसने मार कर अपना बदला ले लिया है। स्नोमैन को लगता है कि रॉड मर चुका है और यही सोच सोच कर वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और तभी गुल्ली भी घर के बाहर आ जाता है और वो अपने सामने स्नोमैन को देख कर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे देखने लगता है और स्नोमैन भी गुल्ली को ही देख रहा होता है। इसके बाद स्नोमैन गुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है और गुल्ली के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है और उसके ऊपर पंच मारने जा रहा होता है। तो दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली का, क्या गुल्ली स्नोमैन से बच पाएगा या फिर आगे कुछ और होगा, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।